नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 22 तारीख को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है और 23 तारीख को बजट पेश किया जाता है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया जाता है कि अगर भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मजबूत करना है तो हमें अपने आप को चाइनीज इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां से भी हमें एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि आज के डेट में चाइना का एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप किसी भी तरीके से जो चाइना का प्रेजेंस है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वहीं पे अगर बात किया जाए तो भारत के जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इससे जो हमें उम्मीद था वो उम्मीद पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा, और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और जहां तक बात किया जाए कि आखिर में ये इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे को हम सिंपली एक रिपोर्ट कार्ड समझें जो कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में कौन सा सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म किए हैं और किस स्पेसिफिक एरियाज में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर कहीं पे कमी है तो क्यों कमी है और क्या कमी है। तो सिंपली अगर इसको रखा जाए तो ये काफी अच्छे डिटेल तरीके से बताया जाता है कि भारत की इकोनॉमी का उस पर्टिकुलर साल में क्या कंडीशन रहा है। नॉर्मली जब भी हम डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम सभी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहता है। साथ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास राज्य भी हैं और राज्य में मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना कि प्रधानमंत्री का बनता है। भारत में कोई से भी ऐसा राज्य नहीं है जिनके पास रिसोर्स नहीं होंगे, लेकिन जिस सिस्टमैटिक तरीके से या जानबूझ के मिसमैनेजमेंट किया जाता है, इसका जो भुगतान है उस प्रदेश के जो आम जनता है उन्हें भुगतना पड़ता है। और साथ में क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो यहाँ पे भी चांसेस काफी हाई हो जाते हैं कि केंद्र में जिस कोलिशन की सरकार है और अलग अलग राज्यों में जिस पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार है उनसे इनके संबंध अच्छे ना हो। तो जब संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो एज अ रिजल्ट जो होता है उसका जो हर्जाना होता है वो उस प्रदेश के जो आम जनता है उनको भुगतना पड़ता है। जो लीडर्स होते हैं उनके मोर और लेस उनके सभी काम हो जाते हैं, लेकिन जो कॉमन सिविलियंस होते हैं वो स्टेट और सेंटर की लड़ाई में उनका कॉन्टिन्यूस नुकसान होता रहता है। तो यहां से भी हमें समझ जाना चाहिए कि अगर भारत एज एन कंट्री को हमें डेवलप करना है तो सेंटर और स्टेट्स को मिल बैठ के प्लान बनाना पड़ेगा और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। इंडियन मीडिया जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आज के डेट में किस तरीके से चाइना जो है वो भारत के लिए रियल थ्रेट है। और जहां तक बात किया जाए चाइना के बारे में, तो शायद ही कोई ऐसा देश आज के डेट में होगा जो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंज्यूम नहीं करते होंगे, और साथ में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो चाइना को अधिक सामान भेजता होगा और चाइना उसको कम सामान भेज पाता होगा। चाहे आप बात कर ले चाइना US ट्रेड के बारे में या चाइना इंडिया ट्रेड के बारे में या इनफैक्ट चाइना इसराइल ट्रेड के बारे में, ऑलमोस्ट सभी देशों को चाइना बढ़ चढ़कर सामान भेजता है और उनसे कम से कम सामान लेता है। साथ में इसी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी इकोनॉमी को चाइनीज इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, चाइना प्लस वन फेनोमिना। मतलब क्या होता है इसका? तो जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि टेस्ला जो है वो चाइना में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को खोल के रखा है और कहीं ना कहीं वो भारत में भी बात कर रहा हो और भी अलग अलग देशों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसी को सिंपल टर्म में कहते हैं चाइना प्लस वन। अगर आप चाइना से संबंधित आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको ये बात डेफिनेटली मालूम होगा कि साल 1992-93 के आसपास ही चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और वहीं पे अगर बात किया जाए भारत के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इसमें वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी चाइना बना के देता है। तो कहने का मतलब है कि आज भी हम इतना ज्यादा पीछे हैं और इस जो गैप है इसको ऑलमोस्ट लगता नहीं है कि इसको हम फुलफिल कर पाएंगे। इसके पीछे का वजह भी बहुत सारा है, लेकिन अगर हम बहुत ही कम एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें तो आज के डेट में चाइना का इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कंप्लीट तरीके से मोनोपोली है। साथ में लिथियम एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका कंप्लीट तरीके से मोनोपोली है, और सेमीकंडक्टर में तो इनका है ही है। तो यहां से भी हमें समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम एंड बैटरी या सेमीकंडक्टर, ये फ्यूचर है। और किसी भी तरीके से अगर आप फ्यूचर वाले बिजनेस को अपने गिरफ्त में कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका कोई तोड़ नहीं होता है। जून 2020 को भारत
भारत और चाइना के आर्मी के बीच में गलवान में क्लैश होता है, जिस क्लैश में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इसके बाद भारत में काफी एक अच्छा मोमेंटम बना था, जहां पे जो कॉमन लोग थे भारत के, वो बढ़ चढ़कर चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बॉयकॉट कर रहे थे। इसी बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जहां पे जो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको भारत में आने से रोका जा रहा था। लेकिन उस वक्त भी भारत में चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तब भी आ रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली चाइना से नहीं आके किसी थर्ड पार्टी कंट्री का इस्तेमाल कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि सेम आइटम के लिए हम अधिक पेमेंट कर रहे थे। और इस बात को अगर आपको वेरीफाई करना है तो भारत के किसी भी राज्य के किसी भी एरिया के आप इलेक्ट्रॉनिक मंडी में चले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से चाइनीज गुड्स भारत में डोमिनेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम नहीं होता है, बल्कि हमें बहुत ही सख्त तरीके से उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट भी करना होता है। अगर बात किया जाए चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर के बारे में, तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं यूएस के, वो अब चाइना को सामान नहीं देते हैं। लेकिन जिन सब सामान के लिए चाइना यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था, आज के डेट में ऑलमोस्ट वो सभी चीज को चाइना अपने देश में बना रहा। तो कहने का मतलब है कि अगर चाइना कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। चाइना बने बनाए सामान को एक्सपोर्ट करने में काफी माहिर है, और वो सामान इतना सस्ता होता है कि जो उस देश के जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास कोई वजह नहीं रह जाता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो चाइनीज प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा कॉस्टली होता है। तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई भी महंगा सामान लेना पसंद नहीं करेगा, और ये चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। और साथ में अगर बात किया जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमें बहुत ही सोच समझ के चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारत में बुलाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से एक सर्टन लिमिट के बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर चाइनीज इन्वेस्टर्स का कंट्रोल हो जाएगा। और अगर किसी भी तरीके से चाइनीज इन्वेस्टर्स का कंट्रोल हो जाएगा तो हम ये मान लें कि वो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ चाइना के इशारे पे काम करेंगे। और साथ में अगर बात किया जाए तो चाइना का आज के डेट में हर उस देश में प्रेजेंस बढ़ा है जिसके संबंध खास करके यूएस के साथ अच्छे नहीं है। और बीते लगभग 10 सालों में चाइना का एक बहुत ही स्ट्रांग तरीके से एक्सपेंशन हुआ है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। तो कहने का मतलब है कि दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान करने से सोल्यूशन नहीं मिलता है, जो रियल प्रॉब्लम आज के डेट में वो हमें चाइना से है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा हम लोकल इश्यूज में या आपस में सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाइयां होती रहेंगी, उतना ही बेनिफिट उन सभी देशों को मिलेगा जिनके संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं है, और खास करके चाइना को। ये जान के हम सभी को हैरानी होगी और तकलीफ पहुंचेगा कि टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से 9 से भारत ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है, और ये गवर्नमेंट डेटा कहता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें से जो 9 देश है वो हमें अधिक सामान भेजते हैं और हम कम सामान भेजते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए भारत के मिडाइवल टाइम के इकोनॉमी के बारे में, तो ऑलमोस्ट भारत का जो ग्लोबल जीडीपी में जो प्रेजेंस था वो 23% था। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि अगर हम रीजनल मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इस जातिवाद या धर्मवाद से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका असर इंडिया एज एन कंट्री पे पड़ेगा, और किसी भी चीज का अगर असर इंडिया एज एन कंट्री पे पड़ेगा तो वो हम सभी पे पड़ेगा। चाहे बात कर ले हम चाइना के बारे में या रशिया के बारे में, सिंगापुर के बारे में, कोरिया के बारे में, तो ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी हाई है, और हर साल ये जो डेफिसिट है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा। सिर्फ एक ही देश को हम अधिक सामान भेजते हैं, वो है यूएस। लेकिन वहीं पे अगर बात किया जाए तो यूएस से हम फिर हथियार खरीद के ऑलमोस्ट हम चीजों को बराबर कर देते हैं, या इनफैक्ट हम अपने आप को नेगेटिव में ले आते हैं। तो अगर आप इन सब आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें कितनी सख्त आवश्यकता है सेल्फ डिपेंडेंट होने की। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।